को एमपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है दिल्ली में, जो कि बेहद खास होगी। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे और आगामी चुनाव और रणनीति पर बातचीत होगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। आज बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संतोष भी शामिल होंगे। अनुराग मालवीय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग मालवीय, अगर बात की जाए तो आज बीजेपी की कोर बैठक होनी है दिल्ली में, क्या कुछ आज इस बैठक में खास रहने वाला है? अनुराग, देखिए अभिषेक तिवारी, पहले तो ये बता दूं कि बैठक आज नहीं, कल होगी। गुरुवार को ये बैठक होने वाली है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीएल संतोष हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश का शीर्ष नेतृत्व मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ये जो है संगठन महामंत्री इंसानंद शामिल होंगे। इस बैठक को कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह के दौरे के बाद में कई सारे इंस्ट्रक्शन अमित शाह की तरफ से प्रदेश को भी दिए गए हैं और इसके अलावा प्रदेश संगठन के अलावा राष्ट्रीय संगठन को भी कुछ फीडबैक दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार हम मुख्यमंत्री को देख रहे हैं कि उनसे राज्यपाल से मुलाकात का दौर जारी है, राजभवन जाने का दौर उनका जारी है, तो कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल में 4 पद खाली है। सिर्फ अब 1 साल का समय बचा है विधानसभा के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं 4 नए चेहरों को मौका देकर ये कोशिश की जा सकती है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में और उनके सूबे में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके, तो निश्चित रूप से उसको लेकर भी चर्चा होगी। कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठे हैं जिनका नाम अभी हम नहीं लेंगे, लेकिन वो नाम भी जल्दी सामने आएंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सिर्फ विस्तार नहीं होगा, अगर बात करें तो एक्सपांशन नहीं है, इसमें रिशफल होने की भी गुंजाइश है। कई मंत्रियों का अपने विभाग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। साथ में ये भी बहुत निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब क्योंकि राज्यसभा को लेकर भी नामांकन दाखिल होने हैं जल्दी, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है किस तरह की, क्योंकि 2 सीटों पर स्थितियां क्लियर है, 1 सीट पर पेच फंसता नजर आता है, तो ये एक बड़ा मसला होगा जिस पर चर्चा होगी। तो तमाम सारे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल अनुराग जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सूबे में सक्रिय हो रही है, ये आपने जानकारी दी कि आगामी चुनाव की तैयारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे हैं जो कि केंद्र के लिए उनके लिए रास्ता भी खुल सकता है, तो कुछ के लिए कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या मध्य प्रदेश में सीएम के लिए कोई नया दावेदार होगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, इस मामले को लेकर कुछ भी कहना लाजमी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई सुगबुगाहट हो इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर हम तमाम चेहरों की बात करें, सब शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते नजर आए हैं और ये संदेश देते नजर आए हैं कि फिलहाल मध्यप्रदेश में शीर्ष स्तर पर बदलाव की संभावनाएं कम है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कैबिनेट में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां कुछ नए चेहरों को दी जाए या फिर रिशफल किया जाए, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर या मुख्यमंत्री पद को लेकर परिवर्तन की संभावनाएं कम नजर आती हैं। अभिषेक, चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे और जिस तरीके से हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ने जानकारी दी है कि जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक मध्य प्रदेश को लेकर होगी वो कल होगी और दिल्ली में होगी, और इस बैठक में सूबे के साथ ही जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी बैठक में शामिल होंगे।